नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय माता दी की। आज द्वितीय चंद्र घंटे का दिन है। प्रथम शैल पुत्रेजा द्वितीय ब्रह्मचारिणी द्वितीय चंद्र घंटे, आज चंद्र घंटे माता का दिन है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, नौ माताएं प्रथम शैल पुत्रेजा द्वितीय ब्रह्मचारिणी द्वितीय चंद्र घंटे थी। कुष्मांडे चौतम पंचकमस्कन्ने माता छत्कम कात्यानी चा सप्तमम कालरात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धदात्री। ये नौ देवी हैं जिनके लिए हम व्रत करते हैं। नौ रात्रियों का, नौ रात्रि मतलब नौ रातों की देवी, नौ रात, उसको नौ रात बोलते हैं। और हम इनके लिए व्रत करते हैं और घर में कलश स्थापित करते हैं, इनके लिए धूप दीप घी की बत्ती जलाते हैं घर में। कुछ लोग वो रखते हैं, देखिए पूरी रात दीपक जला कर रखते हैं वो लोग। और काफ़ी लोग तो निर्जला उपवास रखते हैं, निर आहार निर्जला उपवास रखते हैं, जिनकी श्रद्धा ज़्यादा रहती है। फिलहाल तो सबकी श्रद्धा रहती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा ही भगवान में लीन हो जाते हैं। तो आज मैं आपको चंद्र घंटा जी की कहानी सुनाऊंगी और आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ चंद्र घंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्ध चंद्रमा का आकार चिन्ह होता है, जिस कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि माता के मस्तक पर चंद्र का आकार का वो रहता है, जैसे भोले बाबा के रहता है वैसे चंद्र के आकार का रहता है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का रूप धारण किया था। जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था, वो तो हमेशा ही है, जब इन लोग का काल आता है तो ये लोग भागते हैं। तो जब दैत्यों का आतंक कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा था और स्वर्ग लोक पर पहुँचने लगा था, महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर और देवताओं का युद्ध चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता है था। आप अधिक अच्छे से ही जानते हैं कि कुछ भी भगवान जी लोग से रिलेटेड कोई भी कहानी रहेगी, उसमें जो है एक बार तो ये आता ही आता है कि कोई भी राक्षस दानव दैत्य ये लोग अगर आक्रमण करते हैं तो सीधा इंद्रलोक पे आक्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है देवराज इंद्र का सिंहासन लोग को चाहिए होता है। तो इसमें भी वही है, देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते हैं और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। जब देवताओं को ये पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश के पास पहुँचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनकर और मतलब उनकी बात सुनी और बहुत क्रोध में आ गए, वो लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए, क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि उन त्रिदेव के क्रोध वाले मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम चंद्र घंटा है। उन देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र जी ने अपना घंटा, सूर्य जी ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्र घंटा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्गलोक पुनः दे दिया रक्षा करके। तो ये तो सब कहानियों में रहता है कि माँ आती हैं और
जो राक्षस दानव दैत्य ये लोग रहते हैं इनका वध करती हैं, और जो चीज उनसे छीनी गई रहती है उसको वापस उनको दे देती हैं। तो सबसे मेन बात ये है कि माता हमारे बुलाने पर आती हैं, हम उन्हें इतना याद करते हैं, उनको हम इतना स्मरण करते हैं कि वो हमारी विपदा को हरने वो आती हैं। तो या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटे रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमः। आशा करती हूँ आप लोग को मेरी ये कहानी बहुत पसंद आएगी, और कृपया करके ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। और सब लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।